हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत कमाल का गिलास बनाना सिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करता हुआ चलूंगा। चैनल पर जो भी न्यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट किए करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है और न्यू टेस्ट आप लोगों ने यहाँ से मेरा भाई हटा देना होता है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी नेम टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पर लिख लिया आनिया। आनिया लिखने के बाद ओके करें, नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ए बी वाले ऑप्शन में आ जाएं। माय फॉन्ट में आकर आप लोगों ने फॉन्ट लगाने होता है। अगर फॉन्ट यहाँ पर ऐड करने का नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो वीडियोस देखकर आप बड़े इजी तरीके के साथ मेरा भाई फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इतना होने के बाद आप लोगों ने इसका साइज इंक्रीज कर लेना है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने आना शेप में और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। फिर कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करके आप लोगों ने डिफॉल्ट पे क्लिक करनी है और अल्ट्रा में रखकर सेव टू गैलरी कर लेना है। अब आप लोगों ने आना अडोब फोटोशॉप टच में। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं अडोब फोटोशॉप टच में आ चुका हूँ। आप लोगों ने प्लस पे क्लिक कर देने, फोटो लाइब्रेरी में आ जाना है और अपना वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी है। बाकी यार ये वाला जो गिलास पॉइंट है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट डिमांड है कि भाई इस पर ही वीडियोज़ बनाएं, तो मैं इसलिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो ये बेवल एम्बॉस वाला गिलास पॉइंट भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है। तो अब आप लोगों ने करना है, यहाँ पर पिक मैंने ऐड कर दी, तो अब आप लोगों ने करना है सिंपली यहाँ पर पिक स्लैब वाले फोल्डर मैंने, अगर ये वाली पिक आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर देना या फेसबुक पर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास मुकम्मल बहुत ही HD में मतलब एडिट हुई हुई पिक पड़ी है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्लर की हुई है, तो ये वाली नहीं दूंगा। अगर ये वाली चाहिए ये भी दे दूंगा, लेकिन वो मैं आप लोगों को ओरिजिनल रियल पिक दे दूंगा। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोगों को टेक पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि यार जैसे ही मेरे नए सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स आते हैं तो वो अपनी अपनी रिक्वेस्ट डिमांड करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर हर किस्म का गिलास वंड पड़ा है। जो भी आप लोगों को गिलास वंड चाहिए आप लोगों ने एक कॉमेंट्स कर देना भाई कि मुझे ये वाला गिलास वंड चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट जरूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्ट डिमांड हो तो आप लोगों ने कॉमेंट्स कर देना, बारी बारी से आपकी रिक्वेस्ट डिमांड पूरी करूंगा। तो इतना होने के बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, FX मैंने और लैटिंग में आ जाना है। बाकी एक भाई ने मुझे बहुत दिन से बल्कि कुछ मंथ हो गए एक कहा हुआ है कि भाई मतलब है PSD वाला जो ना गिलास उन्हें बनाओ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बना दूंगा वीडियो जब भी मेरे पास टाइम हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पर एरो पकड़ कर बैर ले जाना है, इसको फुल ब्लैक कर देना है। तो अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड सिंपली यहाँ पर स्क्रीन कर देना है। फिर सेकेंड लेयर में आना है, FX में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आना है। इसका जो ब्लर है ना ये आप लोगों ने कर देना है 2 पे, और बाकी जो डिस्टेंस है ना ये आप लोगों ने 6 पे कर लेनी। ठीक है, और कलर ब्लैक रहना है रखना है, और बाकी जो एंगल है ये 19 पे होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ने मुझे कहा था कि भाई PSD पे गिलास उन्होंने बनाया। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई क्या कह रहा, सिर्फ कह रहा था भाई PSD पे वीडियोज़ बनाएं। फिर उस भाई को मैंने कहा कि भाई आप मुझे फेसबुक पर स्क्रीन शॉट दें या SS भेजें या पेक भेजें, तो ताकि मुझे कुछ आइडिया हो। ठीक है, तो वो ग्लास वन बहुत वैसे कमाल का था, उस भाई ने मुझे पेक भेजी, तो इंशाल्लाह मैं उस जैसा ही बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट जल्दी वीडियो वो मैं लाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या, इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर थर्ड वाली लेयर में आना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। सारा मेन काम यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका ब्लर आप लोगों ने कर देना है 20 पे, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है ना ये आप लोगों ने कर देनी है 10 पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ब्लर 20 डिस्टेंस 10। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोगों ने कलर वाइट ही रखना है, और एंगल पहला आप लोगों ने कितना कर देना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है एंगल 340 पे, ठीक है, मतलब 340 पे रख लेना और टेक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में सिंपली आ जाना है, फिर FX में आना है और ग्लो में आ जाना है। यहाँ पे 0.6 ब्लर और कलर वाइट, ठीक हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है कि नीचे वाली लेयर में आना है, इसका ब्लेंड मोड जस्ट यहाँ से ओवरले कर देना है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इस पे 4 या 5 दफ़ा बेवल लगा देना है, एक दफ़ा हो गया। और अगर अब यहाँ पे इसका ब्लर मतलब कम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, एंगल भी कम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं इस दफ़ा एंगल थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 217 पे करूँगा, और इस पर मैं फिर बेवल लगा दूँगा। ठीक है, और इस पे मैं फिर बेवल लगा दूंगा। ठीक है, बेवल आप लोगों ने जितनी दफ़ा मर्जी आपका मतलब लगाएं, जितना बेवल लगाएंगे उतना ही आपके नेम में क्लैरिटी आएगी और अच्छा लगेगा। ठीक है, एंगल अगर फिर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे फिर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर आप कम करना चाहें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 15 पे कर लें, और ये भी आप लोगों ने 15 पे कर लेनी है। ठीक है,
अगर मैंने बहुत ज्यादा लगा लिया, आप खुद काउंट कर लीजिएगा मैंने कितने दफा लगाया, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4-5 दफा कहा था, लेकिन मैं तकरीबन ज्यादा ही लगा बैठा हूँ क्योंकि मैंने काउंट तो नहीं किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने नेम की क्लैरिटी, ये देखें बेवल एम्बॉस बन चुका ग्लास बन, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और आप लोगों को बात बता दूँ, इफेक्ट्स में और टेंट में, तो यहाँ पर अगर कोई कलर डालना चाहें तो आप टेंट में आके जो आप लोगों की मतलब पिक के साथ सूट कर जाए वो आप इजीली लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाने वाला, तो ये देखें। ठीक है, अब आप अपने स्टैंड पे क्लिक करके सेव कर लेना, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर लें। फ्रेंड आज की मेरी बात यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।